योगेन चित्तस्य पदेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिलानतोऽस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार, आपण समस्त आर्गस न्यूज़ रा जगशक्ति कार्यक्रम को स्वागत करुछु। आज अध्याय रे आमे किछ अभ्यास करिबु, क्रियार अभ्यास करिबु। साधारणत आमर नाकरे होतवा प्रतिक्रिया छिंक आउ डस्ट धूली हेले जो छिंक हुए किंबा जो प्रतिक्रिया हुए नाकरे किंबा स्मोक धुआरे एगुड़ाक पाई किंबा समस्त आमर हेल्दी सुस्थ श्वास प्रक्रिया को जंत्र को सुस्थ रखिया पाई ए क्रिया अभ्यास जलनेति सूत्रनेति द्युतिकर्मा क्रिया ए तीनोटी क्रिया आपण को देखेबू एवं उषापान केमिति करा जाए एवं प्रिपेयर करा जाए। साधारणतः यही क्रिया गुड़ी को आपण माने कौनसी प्रशिक्षक जो माने शिक्षित होइतबे योग थेरापी रे शिक्षक एवं भलो भाबरे थेरापी जानिथिबे तांको पाखरु शिक्षा नबा दरकार। एमित अभ्यास करिवे नाही, केवल आपण देखाउचू एवं उपयुक्त शिक्षक पाखरु शिक्षा दरकार, शिखिले निश्चित भाव करि पारिबे। बेसी किछि कष्ट नहो किंतु निज करबा कष्टदायक एवं साइड इफेक्ट मध्ये हेई पारे, तं सेति पई आपण निश्चित रूपरे जने शिक्षकंकर जीवन सिखिथिबे योग थेरापी पर जानिथिबे तंकर अभिज्ञता थिबो तांको पाखरु जानिबा एवं सिखिबा निहाते आवश्यक एवं बहुत उपकारी। आमे आसुन देखिबा एवं केतोडे क्रिया साधारणत आमे क्रिया रे पानी नहीं था मैंने हल्का हालुका गरम होता पा ता सहित कि सालाइन करवामें सल्ट आमर ताक मिसेवा ताकूत सल्ट बेसी सल्ट करवानी आम जो अल्प टिके मिसेवा एवं देखा केते गरम बेसी गरम करवानी कि बेसी थंडा हेनी ताकू रखिकी आम यहाँ हूँ कहते नेतीपट एमती आपणकर कपड़े भी मध्य मिल बजारू एवं करवा समय कत गुड़ाक विषय जानवा दरकार जोटा कले आमको सहज होमती कि गोटे हूँ जदि आम साधारणतः बाँ नाकपोड़ा कि डाण नाकपोड़ा कौटे गोटे एक्टिव थाए आ समय दुई नाकपोड़ा मध्य एक्टिव थाए जदि आम कौन बाँ कि डाण नाक आम ब्लक अच्छी आम निश्वास नहीं पार्नु टे जाम अच्छे तेनाली स्लो जगिंग करदेव प्रथम धीरे 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 जगिंग करदेव गोटे मिनिट जगिंग करूँ धीरे 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 जदि आपण दुई नाक पूरा फ्री अच्छी जगिंग करवा दरकार नहीं जदि बैचान्स आपणकर बाँ कि डाण कौन सी नाक जाम अच्छी ब्लक अच्छी ताहले धीरे धीरे जगिंग करनवा गोटे मिनिट धीरे धीरे जगिंग करनवा धीरे धीरे जगिंग कले कौन हम ना आम नाक खुल बर्तमान मुझे देखी मोर दुई नाक बर्तमान खुली अच्छे पूरा ठीक अच्छे आम मझेरे मझे चेक करनवा जदि दुई नाक खुली जाए तो आम अभ्यास को बंद करवा बर्तमान अभ्यास करवा जग्रे आम बर्तमान अच्छी गरम पा उषुम पा अच्छी उषुम पा ग्लास रे नवा से आम सल्ट लुण पकाइबा लुण को घाटी दबा भल भाव मिसाई दबा लुण को टिके टेस्ट कर नबा केते अच्छी ठीक अच्छे लुण बर्तमान यही पानी को आम नेतीपट रे नबा नेतीपट नहीं कि बर्तमान देखा कौन करवा आम मु बर्तमान डाहाण नाकपोड़े ये जो आमर अच्छी रास्ता अच्छी नेतीपटर से मो डाहाण नाकपोड़े पूरा पशेबी आग को टिके बांकी बांक मुंड को साधारणतः टिके बांकी
ଏବଂ ପାଟି ବାଟେ ଶ୍ୱାସ ନେବି ଆଉ ଛାଡ଼ିବି, ଯାହାଫଳରେ ଏ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଏ ନାକରୁ ଯାଇକି ଏ ନାକରେ ବାହାରି ଆସିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ତାହେଲେ ଓମକାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ଆ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ନେତିପଟ ନେଇ ଡାହାଣ ନାକରେ ପାଣିକୁ ବାହାର ନାକରେ ବାହାର କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଉଲଟା ଦିଗରେ କରିବି, ବାଁ ନାକପଡ଼ାରେ ଡାହାଣ ନାକପଡ଼ାରେ ପାଣିକୁ ବାହାର କରିବି। କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସରେ ଶ୍ୱାସକୁ ବାହାର କଲି ଏବଂ ଛାଡ଼ିଲି, ନେଲି ଏବଂ ଛାଡ଼ିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକାର କରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦୁଇ ନାକପଡ଼ାରେ ଅଭ୍ୟାସ କଲି ଏବଂ ରହିଥିବା ପାଣିକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କପାଳଭାତି କରିବି। ଆଗକୁ ଦେଖିକି ଏବଂ ସାଇଡ଼କୁ କରିବି, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼କୁ, ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯଦି ଭାବୁଥାଏ କିଛି ପାଣି ରହିଯାଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ପାଦହସ୍ତାସନ କରିନେବି। କିଛି ପାଣି ଥିଲା ବାହାରିଗଲା, ଆପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯଦି ଭାବୁଛି କିଛି ପାଣି ରହିଯାଇଛି ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଶଶାଙ୍କାସନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। କିଛି ସମୟ ଅଭ୍ୟାସ କଲା ପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବି, ମୋ ପାଣି କିଛି ନାକରେ କିମ୍ବା ସାଇନସ୍ରେ ଜମା ନାହିଁ, ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହନ୍ତି ଜଲ ନେତି, ଉଷୁମ ପାଣି ନେବା ଆଉ ସେଥିରେ ଲୁଣ ମିଶାଇବା ଏବଂ ଏ ନାକରୁ ନେଇ ସରକାର ବାହାର କରିବା। ସାଧାରଣତଃ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଆମେ ବାହାରେ ନ କରି ଘର ଭିତରେ କରିବା, ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଟିକିଏ କମ୍ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ଗରମ ଥିବ ଘରେ ଥିବ ଘରେ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ କରିବା ସମୟରେ ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ଏଲର୍ଜି ହେଉଛି, କାରଣ ଏଲର୍ଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ବାହାରର ପାର୍ଟିକଲ ସେଟା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ତ ଆମେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛେ ଭିତରେ। ଏଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣିଶୁଣି ଆମର ୱିଲ୍ ପାୱାରକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଜଳକୁ ନେଉଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପଟେ ବାହାର କରୁଛୁ। ଏଟା ସାଧାରଣତଃ ଯେକୌଣସି ଲୋକ କରିପାରିବେ, ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ଠାରୁ ଟିକିଏ ଡିଫିକଲ୍ଟି ବା ଟିକିଏ କଠିନ ହେଉଛି ଆମର ସୂତ୍ର ନେତି। ଆକୁ ମଧ୍ୟ କନାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କେଥେଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସର୍ଜିକାଲ ଦୋକାନରୁ 4 କିମ୍ବା 5 ସାଇଜ୍ରେ ମିଳେ କେଥେଡ଼ର, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ଏବଂ ଯେଉଁଟାରେ ସୂତାରେ ବା କପଡ଼ାର ଯେଉଁଟା ହେଇଥାଏ ସୂତ୍ର ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ଡେଡ଼୍ ଏଣ୍ଡ ଅଛି, ଗୋଟେ ପୁରା ବ୍ଲଣ୍ଟ ଏରିଆ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖୋଲା, ଖୋଲା ପଟଟାକୁ ତଳକୁ ରଖିବେ। ଧରିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ଏମିତିକା, ଆମର ଜାଣିବା ନାକରୁ ଦେଇ ପାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏଇଟା କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆର ପ୍ରାୟ 10 କି 15 କି 20 ଗୁଣ ବେଶୀ ଆକାରର ଅଛି।
साधारणतः कौन हुए आम या पशेला बेल डर लगे केमी नाक पशेबा बाहर करवा कि टेक्निक जाणीगले बहुत सुविधा एवं यहाँ कले आम निश्चित भाव में म्यूकोस को क्लीयर करसल एलर्जी डस्ट एलर्जी पोलन एलर्जी मुक्त हो पारा कौन करवा आर जो डेड एंड अच्छी सरफेस रे टच करवा आम जो मानकर हो सपोज आपको भितर पशेक बाहर कर पार ना से रखने भी उपकार पाईपर कहीं जी आप कौन से गोटे फरेन बॉडी बाहर गोटे जिनस बाहर जिनस भितर को रखिए निश्चित भाव में भितरे आपन को धक्का दबो ना ना दरकार ना इतना भितर किसी नष्ट करदे कि खराब हे कि यहाँ उपकार करम देह जाणी कि मो मन जाणी मुझे करुच्ची तेणु व्विल पावर को स्ट्रंग करके आम कले धीरे धीरे जीव जदि छिंक आसला धीरे धीरे रखत ये रखला जदि रिएक्शन होतर तेल ओंकार उच्चारण करूँ व दीर्घ निश्वास नियंतु और छाड़ू जब मोर अभ्यास अच्छी मुझे आपको साधारणतः यहाँ मोर गला पाखे अच्छी गला पाखे बर्तमान थी बेले मुझ जीभ को बाहर करमी ये दि आंगुल को भितर को पशेमी एवं तार डेड एंड को धरमी बाहर को बाहर करमी एटा हला परे मु ताको साइड किछ समय कला परे ताको बाहर करबी एवं धोई देबी कला परे कौन कष्ट हुए कौन रिएक्शन हुए एवं से रिएक्शन किमिति न होबो तार उपाय कर आम जानिबा एटा पसला बेले आम भितर बहुत रिएक्शन हुए आखिर पानी हर बहुत जोर से रिएक्शन बाहर कर बाहर कर बाहर कर छिंक हम आखि एमती करवा कि छिंक नापी कौन करवा आम जो ये रहा आम दीर्घ श्वास नवा और छाड़ा पुणी टिके पसेबा पुणी दीर्घ श्वास नवा और छाड़ा व ओंकार उच्चारण कर मन को सजेसन दवा किसी ना यहाँ कौन अच्छे गोटे रबर कैथेडर भितर को जाऊँ किसी नष्ट हेनी रास्ता अच्छे रास्तार जाऊँ आम जो हस्पिटाल रोचे पार्टी में खाईपे डाक्तर पशेक रखुं ता खाद्य दौरान आम से निजे अभ्यास करी धीरे धीरे पशेनि रिएक्शन हो रखिले पुणे धीरे पशेबा रिएक्शन हो रखिले दीर्घ श्वास ने छाड़े एवं ओंकार उच्चारण कले साधारणतः तो कला बेले कौन करवा आम जो पशोजे सीधा पशेबानी सीधा पशेले सैनस को हटे हम काट साधारणतः तो हल यू आरंभ होटा जमी मुड़ी रहा सीधा पशेबा आगे आसवा यू आसला कि लोक तो भितर को चली जाए कि बाहर करवा कष्ट हुए से कौन करते जिते बड़े जीभ को बाहर करती हाथ को पसाते बांति आसे तेणु बांति को एवोड करने जीव को बाहर करेंगे आंगुल को रखिए दीर्घ श्वास प्रश्वास ने छाड़े जिते बड़े एक्सेप्ट कर नब पुणी धीरे टिकर पसेबे प्रथम धरवे बाहर करेंगे किस समय रखिए दीर्घ श्वास प्रश्वास ने छाड़े यहाँ कौन सूत्र नहीं ठीक बाँ नाक कलापर ठीक सेमती का आम डाण नाक करवा कर सारापर टे विश्राम करवा बर्तमान आम जो अभ्यास करवा से कहते द्युत कर्म साधारणत तो नाक को पूरा सुस्थ रखापी परिष्कार रखापी आम कौन करवा नाक बाटे पानी को नबा एवं पार्टी बाटे पानी को बाहर करवा साधारणतः बहुत कष्ट होता है जो मान योग शिक्षक एवं भल भाव शिखिंट पाखु शिखि नवा केमी कराए केवल देखा नाक बाटे नवा
ମୁଁ ନାକବାଟ ପାଣି ନେଲି ଏବଂ ପାଟିବାଟ ବାହାର କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ଉଲଟାଟା କରିବା, ପାଟିବାଟେ ପାଣି ନେଇ ନାକବାଟେ ବାହାର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟିବାଟେ ପାଟିବାଟି ନେଇ ପୁଣି ନାକବାଟ ବାହାର କରିବା, ତାକୁ ଉଦ୍ୟୁତକର୍ମ କହୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯଦି ସକାଳେ ଦୈନିକ ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ନାକବାଟେ ପାଣି ପିଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ହେଡ଼େକ୍ କିମ୍ବା ଆମର ଶ୍ୱାସଜନିତ ଯେତେ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିପାରିବୁ। ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଉଷାପାନ, ସାଧାରଣତଃ ଆୟୁର୍ବେଦର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଥିରେ ଆପଣ ଲିକ୍ ୱାର୍ମ ୱାଟର ବା ହାଲକା ଗରମ ପାଣି ଲୁଣ ନେଇକି କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ କେବଳ ଖାଲି ସାଧା ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ କରିପାରିବା। ନାକରେ ଆମେ ନେବା ଏବଂ ନାକ ବାଟେ ପାଣି ପିଇବା, ପୁରା ଭିତରକୁ ନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଆମ ନାକ ସଫା ଅଛି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଉଷାପାନ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ କଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଖିର ମଧ୍ୟ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଫେସିଆଲ୍ ମସଲ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଟା ଅଭ୍ୟାସ କଲୁ। ଏ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ କଠିନ ମଧ୍ୟ, କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଲେ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସାଧନା ବା ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଆମ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଆଣିପାରିବା, ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା, ପୁରା ଶରୀରକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ମନର ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା। ଯେକୌଣସି ବି ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବା, ବାହାରୁ ଦେଖିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓଂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତିଃ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଯେ ଅୟୋଧ୍ୟାରେ କ୍ରିୟା ଶିଖିଲୁ, କ୍ରିୟା ଷଠ୍ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ, ଛଅ ପ୍ରକାର,
साधारणतः आमर तीन टा कैविटी ब्रेन छाती आउ पेट मुखमंडल जो क्रिया करा जाए जलनेति सूत्रनेति आउ त्राटक आखिपाई तीन टी आउ छातीर पाई कैविटी पाई आमर जो गोटे करा जाए बमन धौती एवं पेट पाई एवं मलद्वार पाई आउ दुईटी अभ्यास करा जाए आमर नौली क्रिया एवं आमर शंख प्रक्षालन ये छोटी क्रिया को सठ क्रिया कहा जाए। कपालभाति गोटे क्रिया कपालभाति एवं कपालभाति कपालपाई आखिपाई त्राटक नाकपाई जलनेति सूत्रनेति बमन धौती एवं आमर नौली क्रिया एवं छ क्रिया को आम सठ क्रिया कहचु। क्रिया मध्यम आम पूरा शरीर को क्लीन करुचु सफा करुचु भितर को एवं किसी दिन अभ्यास कले जोटा बहुत कठिन लगुच बहुत सहज हो जाए। आसतु आज आम प्रश्न नवा एवं प्रश्नकर्ता प्रश्न शुणा और तार उपचार पर कौन अच्छी जानवा। आज प्रश्न हूँ नमिता पटनायक बलांगीर बयस 22 वर्ष चुट्टी बहुत झड़ुची कौन करवा एवं ग्रे होपाई मुझे जोटा बर्तन अभ्यास कैली सूत्रनेति जलनेति बहुत उपकार आपको कौन सी टीचर पाखु शिखतु करूँ बहुत कम लगे ता छड़ा यही क्रिया कले आपन को निश्चित भाव भल उपकार मिल छड़ा आउ किसी अच्छी आपणकर अर्ध शीरासन शीर्षासन कले तो बहुत भल जो शीर्षासन करें न्याघ्रासन रही मुंड को तल करेंगे एवं ऊपर तल करेंगे देखिए आप सर्वाइकल स्पंडालिसिस थिले करिवे नाही नहीं धीरे 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 ऊपर तल करेंगे साइड करेंगे एवं आग पछ करेंगे एवं यही अवस्था कि समय रहिबे निश्चित भाव देखिए जमी रक्त प्रवाह मुंड आड़ रोचे जदि ब्लड प्रेशर था निश्चित करेंगे ना एवं ध्यानपूर्वक करेंगे ता छड़ा मुख्यतः हूँ आमर जो क्रिया कले ताद्वारा निश्चित भाव उपकार पाई दैनदिन कले प्राय यही क्रिया आपन दैनिक भी करें जब पल्यूटेड एरिया रोचान दिल्ली भाया कि अगर कौन सी पल्यूटेड एरिया रोचान बेस पल्यूसन रोचे ये क्रिया दैनिक करवा दरकार जदि अगर कौन सी बेस पल्यूसन ना तो सप्ताह को दु दिन कि तीन दिन कले बहुत भल ता छड़ा आसतु आम आमर आयुर्वेद आचार्य पाखर शुणा सी कौन आपण को कहते नमस्ते जय जगन्नाथ। नमिता देवी बाल झड़ीबा पा पाचिबा आपणकर व्यक्तिगत समस्या नुह समुदाय विश्व को ये समस्या वर्तमान आक्रांत कर रखी ता सहित आपण आपणक व्यक्तिगत चिकित्सकों परामर्श अनुसार आयुर्वेद चिकित्सा आपण ग्रहण करें आम गोटे परामर्श दे रखुचु आपण नित्य प्रति भृंगराज बा हिडिमिचा सागर रस 3 चमच लेखा सकाळ संध्यारे खाली पेटर खाईपरिबे आपण प्रतिदिन अभ्यास करके गोटे अँला खाईपरिबे निश्चित भाव आनंदमय जीवन जापन करूँ एवं गोटे स्वास्थ्यकर जीवन में रुंतु। जय जगन्नाथ।